हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, सब लोग कैसे हैं? मैं ऐसा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे और हम लोग भी स्वस्थ हैं। तो आज है झारखंड का जिला सरहुल। झारखंड में जितने भी जिले हैं सभी जिला में मनाया जाएगा ये जिला सरहुल। तो देखिए हम लोग तैयार हो गए हैं और सब लोग जा रहे हैं अभी अखाड़ा। और ये देखिए हम लोग की लीडर है, हम लोग का ग्रुप का, हम लोग की माँ और हम लोग सब जा रहे हैं अभी अखाड़ा। तो चलिए मिलते हैं अखाड़ा में। तो दोस्तों अभी हम लोग झाखरा पहुँच गए हैं और ये देखिए यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। अरे छोटा छोटा बच्चा लोग साड़ी पहने के
सवाल हो चुके। अभी अभी हमारे बीच झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व राहुल जी उपस्थित है, उन्हें भी हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच जी उपस्थित है, उन्हें भी हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। हार्दिक, अब मैं चाहूंगा हमारे कमेटी के सदस्य लोग से कि उन्हें बैच पहनाकर एवं वस्त्र भेंट करके उनका सम्मान। मैं समिति के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को सारे फूल देकर के उन्हें हार्दिक स्वागत करेंगे, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। आप सभी उनका उत्साहवर्धन करते रहे। आप सभी से आग्रह होगा कि आप ताली के साथ इनका हार्दिक स्वागत करें, हार्दिक अभिनंदन करें। ये क्षण प्रकृति का महापर्व सर्वम अपनी मातृभाषा में कट्टी रखते हैं, जो चैत तृतीया को पूरे झारखंड प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो प्रकृति को संरक्षण के संदेश देता है, हम लोगों को एक जागरूक होने का संदेश देता है। अब मैं चाहूंगा हमारे आज के इस सरल शोभा यात्रा का उत्साहवर्धन करें। सिर्फ आशीर्वाद। रियागा चौक परिसर में तमाम हमारे समाज के अगुआ लोग के प्रयास से और दूसरी बार यहां सरहुल पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर पर सबसे पहले मैं तमाम विशेषकर हमारी दोनों माताएं जो जिनके प्रयास से यहां पे सरहुल पूजा इस जगह पे हम लोग संपन्न कराने में सफल थे, विशेष रूप से सबसे पहले वो दोनों को बधाई देते हुए तमाम लोग आयोजन समिति के तमाम लोग माए मन बाबा मन भाई मन सबसे पहले हाथ जोड़ के सबसे सरहुल पंच के स्वागत कर बधाई और सबके जय धर्म करती। एक बात के जरूर कहे चाहब, अभी पत्रकार मन हम स्थान चकरा कुंभा में हम कहली के सरहुल पूजा या कोई भी आदिवासी के पूजा, आदिवासी लोग प्रकृति का सबसे अच्छा संतान है। इसलिए इस बात हम कहा थी कि हमारी कोई भी पूजा पद्धति, कोई भी परंपरा, कोई भी संस्कृति सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। और आज भी हम लोग जो सरहुल जो कर रहे हैं इसके साथ नया साल का हमारा पूजा के बाद पहन के पूजा करने के बाद हम इनके नया काम शुरू हुए ला, तो नया साल भी एक तरह से हो गया। आज देखा कि बात हो लगती है ये हम इनके साल के टिका लगे ये हम इनके हम खोसी ला कर्मा हो जवा के करीला हम इनके है प्रसादी लगे है हम इनके पूजा लगे ला। और इकरे माध्यम से ना केवल हम इन प्रकृति धरती माए के सूरज भगवान के धर्मेश के हम इन यही करीला बरन प्रकृति के कैसे पर्यावरण के कैसे बचाए कर रखब संरक्षण करब हमके लगा आदिवासी से बढ़िया पूरा गोटे दुनिया में कोई नहीं जाने ना। ये बात के हम बताए चले ला से अंग्रेजी में कहना कि आदिवासी और जंगल में सिम्बायोटिक रिलेशन है, मतलब अन्योन्याश्रय संबंध है। ये बात सब माने ना। हम एक बात के जरूर कहे चाहब एक हम देखा हम जैसे आली एक कहावत है कि आदिवासी लोग का चलना ही नृत्य है और बोलना ही गीत है। और जैसे गोष्ठी देखला के का बूढ़ा मन क्या छुआ मन कोई हो सकेला ऐसे कोई छुआ माए मन बेतरा भी ले हो बन तो भी कितने बढ़िया नाक अथी का कहना मानदार हम इनके नगरा हम इनके घंट बजा के कहते स्वागत कर ले। हम इतने जरूर कहे चाहब कि जो भी अखरा के बात कर रहा झाखरा के बात के लिए नगरा के बात करीला यही हम लोग के पहचान है, यही हमारे सामाजिक है संस्कृति परंपरा है। साथ ही साथ हम अभी एक बात का और कहे चाहब विशेषकर देखा
हम इनके पुरखा मन बहुत चीज के सोई समझ के कराया है। सब जगह देखवा कि आज सरूल हिया है, कहीं और कहीं दो कुछ दिन बाद कहीं और सरूल आई, तो बहुत कुछ सोचन अलग अलग सरूल का लहवेला। हम कहली ना, हम इन प्रकृति के मानीला, हम इन दिखे मानीला कि कहावत है कि सात कोस जाइला, भले भाषा बदल जाला, पानी बदल जाला, तो समझ प्रकृति बदलते रहला। वैसा हम इनके पूजा भी अलग 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 जगह जाए, लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या हुआ, सामुदायिकता, सहभागिता जिसे कहे ना, और वही चीज के कारण है कि हम लोग अलग अलग जगह जाते हैं। इसके माध्यम से समाज को एकजुट भी करते हैं, परंपरा को एकजुट करते हैं। उस जमाने में हम लोग कोई हेलो हेलो कहके कोई फोन तो नहीं रहे, तो हम लोग इसके माध्यम से अपनी चीज को गीत के माध्यम से, अपने चीजों के माध्यम से कहा है कि कुत्तो न बेदो ओक्को न खक हुए। ये बात के पुरखा मन बताए रहने, यह माध्यम से यही चीज के लेके हम इन बढ़ी ला। दूसर बात के कहा हम जरूर कहे चाहब कितने रीच से खन हम इन अगर अखड़ा रतला अखड़ा में चढ़ती ली हम इनके, जब तो कर राग अलग हुए ला, चढ़ के बाद तनी देर बाद हम इन आ जाए कर राग देखे अलग राग हुए ला। तो 12 को महीना है लेकिन हमें 18 को से बगरा हम इनके राग है। माय माने बहिन मन में नया नया छुआ मन के भी इतने हम कहे चाहब कि बेटा प्रयास करो कि अपना पुरखा लोग का चीज को याद करो, जानो। हम लोग भी बाहर पढ़े यहाँ नहीं रहे, लेकिन अब हम लोग जान के कुड़ुक बोलना सीख रहे, चीजों को जान रहे, चीजों को पढ़ रहे हैं। और गर्व करो हमेशा अपनी परंपरा पे, गर्व करो कि हमारी परंपरा है, हमारी चीज है, आपकी पहचान है, हमारी पहचान नगारा है, हमारी पहचान ये मांदर है, हमारी पहचान दारू पी के सूचना नहीं है। आप हमारा पहन कितना, जहां भक्ति है, शक्ति है, श्रद्धा है, पहन पूजा करेला, पूजा करे के बाद जिस तरह घरे घर घूमेला, वो पानी रख के देखेला है ऐसो बरखा कैसे होतो कि नहीं होतो, बगरा होतो कम होतो जानेला, इतना पहन में हमारा शक्ति है। लेकिन इन्ना खातिर ए सुपट लौचकन पैरी पर दू बोतल तो लौचकन जो सुत दे, बोले कैसे होते बताए दे। की बात के समझा, हम पिए खाए ले मना नहीं करी ला बाबू, लेकिन जे घड़ी हम इनके पूजा होवेला, श्रद्धा होवेला, हम यही करी ला, से घड़ी तो बचा के रखे, करहनी के मना करेला, बंद करे नहीं कहला, लेकिन काम करे तो कहा नहीं। पूजा पाठ होलक बढ़िया से टाचा डेगा करवावा। और सबसे बड़ी बात, ये दादा मन जितने को जा रहा है नाम नहीं ले ली, लेकिन सब इतने बढ़िया से दिल में मत, फौजी मन भी छुट्टी में खन आए हैं। एक बात के खन आचार संहिता से चलते बहुत ज्यादा नहीं बोले चाहिला, लेकिन इतना जरूर कहे चाहिला कि किसी प्रकार की, क्योंकि हम खुद डिप्टी कलेक्टर थे, हम रेवेन्यू ऑफिसर थे, सर्कल ऑफिसर थे, तो जमीन के सब कानून के जानीला, सीएनटी एक्ट के सब कानून के जानीला। हम लोग का लोग बहुत सीधा साधा होता है, हम लोग लटपट नहीं करते हैं, लेकिन अपनी चीज को बचाना, पुरखों के चीजों को बचाना हम इनके कर्तव्य है। तो किसी प्रकार का कोई भी आपको दिक्कत हो, कहीं भी हो, प्रशासनिक स्तर पे, मंत्री के स्तर पे, सुखदेव भगत बेटा नियर, पति नियर खड़ा रहता हो, ये बात खन बताए के जाती है, कभी चिंता नहीं करता, ये बात एकदम स्पष्ट कही जाती। तो हम अपने इतने कही के और बहुत अच्छा लगलग इतना रिलैक्स है, और हम तो आज हम इनके चाला माय से, धर्मेश से, और जितने भी हम इनके है यहाँ पर आए हैं पहन पुजार मन बटे से, सबसे उम्मीद करब कि इसी प्रकार हम इनमें आपस में भाईचारगे रहे, सुख शांति हुए, प्रेम सदा, और जहां तक हो सकेला तनी दारू हाड़ू के कम करके छुआ मन के पढ़ुआबा, नहीं पढ़ुआबा, नहीं लिखवाबा, बोले नहीं आगे पढ़े पारब, नहीं बचाए पारब, इतने ही कही के बहुत बहुत सबके धन्यवाद, बहुत बड़ा आभार, और सबके जय धर्म कर दिया। प्रदेश अध्यक्ष श्री सुखदेव भगत की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती समय हम लोगों के।
हैं।